हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के एपिसोड नंबर 3 में। इससे पिछले एपिसोड में हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। इस एपिसोड में हम जो रिमेनिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आता है उसमें आता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक बॉक्स में कुछ उपकरण रखे रहते हैं, कुछ कंपास, बो कंपास इत्यादि। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उस बॉक्स में कुछ 11 प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है वो होते हैं। इनमें से जो ये 6 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर हम बात करेंगे मटेरियल की, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो किस किस मटेरियल के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लार्ज साइज़ कंपास की। जो बड़े साइज़ का कंपास होता है वो 150 मिलीमीटर लंबाई का होता है, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लार्ज साइज कंपास में 2 लेग्स होते हैं जो एक पॉइंट पर हिंज होते हैं। इसके एक लेग पर एक नीडल लगाई जाती है, जबकि दूसरे लेग पर पेंसिल का लेड हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं, उसके लिए स्पेस होता है उसमें। और इसमें नी जॉइंट्स भी होते हैं जिनके द्वारा हम इसमें लेंथनिंग बार जोड़ करके लार्ज साइज के जो सर्कल है उनको ड्रॉ कर पाते हैं। इस कंपास से 120 मिलीमीटर डायमीटर यानी 120 मिलीमीटर व्यास के सर्कल बनाए जा सकते हैं। नंबर सेकंड है लार्ज साइज डिवाइडर। जो लार्ज साइज डिवाइडर है फ्रेंड्स, डिवाइडर का जो काम होता है वो स्केल से डायमेंशन को ड्राइंग पर ट्रांसफ़र करना, और साथ ही साथ किसी भी लाइन या आर्क को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने का काम होता है डिवाइडर का। जो लार्ज साइज डिवाइडर हो और जो स्मॉल साइज डिवाइडर है उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है, स्मॉल साइज डिवाइडर से स्मॉल डिस्टेंस के ज़्यादा पार्ट्स बनाए जा सकते हैं किसी आर्क या लाइन के, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड है स्मॉल बो कंपास। फ्रेंड्स, बो कंपास जो होते हैं वो छोटे कंपास होते हैं जिनका यूज़ सर्कल या आर्क बनाने के लिए होता है, और स्मॉल बो कंपास का यूज़ होता है 25 मिलीमीटर रेडियस तक यानी 50 मिलीमीटर व्यास तक जो सर्कल है या आर्क है उनको ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद है स्मॉल बो डिवाइडर। तो अभी मैंने स्मॉल बो डिवाइडर के बारे में बता दिया है। इसके बाद आता है फिर स्मॉल इंक बो कंपास। तो स्मॉल बो कंपास और स्मॉल इंक बो कंपास में डिफरेंस ये है कि जो स्मॉल बो कंपास होता है उससे हम पेंसिल के लेड के द्वारा हम पार्ट्स करते हैं या उसके पेंसिल के लेड के द्वारा हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जबकि जो इंक बो कंपास है उसमें हम इंक पेन लगा देते हैं कंपास के एक लेग में, जिससे हम क्या करते हैं इंक यानी इंक से ड्रॉ कर देते हैं सर्कल या आर्क। फ्रेंड्स, अगर हमें 150 मिलीमीटर त्रिज्या से ऊपर के जो सर्कल हैं या आर्क ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हम लेंथनिंग बार यूज़ करते हैं। हम जो लार्ज साइज कंपास है उसके नी जॉइंट में एक लेंथनिंग बार को जोड़ देते हैं और इसकी हेल्प से हम लार्ज साइज के सर्कल या फिर आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंपास थी। और इसके बाद जो पार्ट्स हैं वो है पिन पॉइंट, इंक पॉइंट, एक्सटेंशन बार, रोलिंग पेन और लेड केस। पिन पॉइंट, इंक पॉइंट, ये हार्ड स्टील की जो नीडल होती है उनको पिन पॉइंट कहते हैं, और इंक पॉइंट, अभी यहाँ पर जो स्मॉल इंक बो कंपास है इसमें ये इंक पॉइंट ही हम लगा देते हैं जिससे हम इंक के द्वारा लाइन या सर्कल को ड्रॉ करते हैं। एक्सटेंशन बार लेंथनिंग बार की तरह ही होती है। इसके बाद रूलिंग पेन की बात करें, रूलिंग पेन को जब फाइनल हो जाती है, ड्राइंग फाइनल हो जाती है तो हमें इंक के द्वारा लाइन को डार्क करना होता है, तो तब हम रूलिंग पेन का यूज़ करते हैं। लेड केस, ये एक होल्डर होता है, एक स्टोरेज होता है जिसमें पेंसिल का लेड रखा जाता है, बहुत सारे पेंसिल के लेड रखे जाते हैं। इसके बाद मटेरियल की बात करें, पर जो सभी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सभी कंपास सिल्वर कोटेड विद निकल के बने होते हैं, जबकि जो डिवाइडर पॉइंट होता है यानी जो डिवाइडर में आगे की निडल होती हैं और रूलिंग पेन निब होती हैं और स्क्रू और स्प्रिंग, जो भी स्प्रिंग और स्क्रू होते हैं वो सभी हार्ड। फ्रेंड्स, ये हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सभी इंस्ट्रूमेंट, इनके साइज़ वगैरह और इनका यूज़ हमने सब कुछ यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं नए इंस्ट्रूमेंट की, नए इंस्ट्रूमेंट यानी प्रोटेक्टर और फ्रेंच कर्व की। आइए फ्रेंड्स, अब प्रोटेक्टर और फ्रेंच कर्व की बात करते हैं। प्रोटेक्टर की बात करें तो फ्रेंड, जहाँ सेट स्क्वायर के द्वारा कोई एंगल बनाना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पर प्रोटेक्टर का हम यूज़ करते हैं।
प्रोटेक्टर वुड टीन या सेलुलॉयड, इन मटेरियल का बना हो सकता है। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट सेलुलॉयड का आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और शेप में ये सेमी सर्कुलर या सर्कुलर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, इसका व्यास लिया जाता है जनरली 100 मिलीमीटर इसका डायमीटर रखा जाता है, और इसकी सर्कमफेरेंस पर 1 डिग्री के जो डिविजन्स होते हैं वो होते हैं, और दोनों साइड से मेजरेबल होते हैं, यानी जो एंगल है वो राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से पढ़ा जा सकता है। और इसका यूज़ जो होता है वो अभी बताया हमने कि जहाँ पर आप जो एंगल सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं मेजर किए जा सकते, बनाए जा सकते, वो हम प्रोटेक्टर के द्वारा बनाते हैं, और किसी सर्कल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी किया जा सकता है प्रोटेक्टर के द्वारा। तो ये प्रोटेक्टर का यूज़ है और किस किस मटेरियल का बना होता है। फ्रेंच कर्व की बात करें तो जहाँ जो कर्व इरेगुलर होते हैं, जो कंपास के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, वो फ्रेंच कर्व के द्वारा बनाए जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं, कहीं कहीं पर ये सेट स्क्वायर के अंदर बिल्ट अप होते हैं या प्रोटेक्टर के अंदर भी बिल्ट अप रहते हैं। तो जो इरेगुलर कर्व होते हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं, और ये भी वुड या सेलुलॉइड के बनाए जाते हैं।